फर्मा स्टूडेंट्स, आई होप सो अभी तक आपने जो भी पढ़ा होगा वो आपको पूरे तरीके से समझ में आया होगा। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर किया था नेक्स्ट प्रीवियस लेक्चर में, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, जो आई होप सो आपको हर चीज़ें समझ में आई होंगी अच्छे से कि आखिर कैसे पूरा चैप्टर ऑर्डर पर डिपेंड करता है। क्योंकि मुझे पता है रेट ऑफ द रिएक्शन कंसंट्रेशन से हम कैसे रिलेशन बता सकते हैं, अगर आपको ऑर्डर पता है, अगर आपको ऑर्डर पता है किसी भी रिएक्शन का, तो आप बता सकते हो आखिर रेट ऑफ द रिएक्शन कैसे वैरी कर रहा है विद द प्रोग्रेस ऑफ द टाइम, या कैसे कंसंट्रेशन के साथ वो वैरी करता है रेट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, आज एक क्वेश्चन करते हैं थोड़ा बहुत हम उनके ऊपर, ठीक है, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है 2a + b tends to product, 2a + b tends to product, ठीक है, order with respect to a is 2 and with respect to b is -1 and with respect to b, is -1, with respect to b is -1। first question है, राइट रेट लॉ एक्सप्रेशन, राइट रेट लॉ एक्सप्रेशन। सेकेंड वन इज दैट टोटल या आजकल ओवरऑल भी वर्ड यूज करने लग गया, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलो या ओवरऑल ऑर्डर बोलो, तो मीनिंग सेम ही होता है। ठीक है, तीसरा, अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं तो पहले क्वेश्चन में देखो रेट बराबर क्या होगा, के ये मेरा आपको याद होगा जो मैंने रेट ला एक्सप्रेशन बताया था वो क्या होता था, रेट आर इक्वल टू के कंसंट्रेशन का पावर एन, जबकि एन क्या होता था मेरा ऑर्डर होता था। तो सेम आर इक्वल टू ए रिएक्टेंट में अब क्या है कि रिएक्टेंट का पावर मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का पावर एन, वही तो मेरा रेट ला एक्सप्रेशन होता था। तो उसने पहला क्वेश्चन क्या बोला, राइट रेट लॉ एक्सप्रेशन, तो सिंपल से बस हम आर इक्वल टू के, अब ए का पावर उसने क्या बोला विद ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए इज 2, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए इज 2 का मतलब ये हुआ कि ए का पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा रेट लॉ एक्सप्रेशन में, और बी का पावर कितना हो जाएगा -1। तो दिस इज योर रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो यहां से देख के बोल सकते हैं कि ए का व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन ऑफ ए का क्या रिलेशन है, कि भैया इट इज डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर 2 पे डिपेंड करता है, और रेट ऑफ रिएक्शन बी पे कैसे डिपेंड करेगा, इट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ बी का पावर -1 पे डिपेंड करता है। ठीक है, नाउ अगर मैं सेकंड थिंग की बात करूं, ओवरऑल ऑर्डर कितना होगा, जितना भी आपको याद होगा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया कि रेट लॉ एक्सप्रेशन में जितने भी कंसंट्रेशन टर्म होंगे और उनके जितने भी पावर होंगे सबको क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, वही आपका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होता है। तो यहां पे मुझे दो ही टर्म दिए हुए, तो दोनों का पावर आप क्या कर दो, ऐड कर दो 2 + -1, तो दैट्स नथिंग बट 1 ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, ये तो थे आपके बोर्ड टाइप के क्वेश्चन, मतलब बेसिक्स क्वेश्चन है। ठीक है, आखिर जो मैंने प्रीवियस पढ़ा तो उनका छोटा मोटा यूज कैसे, अब इसमें जेई में क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, क्वेश्चन में आएंगे जैसे सपोज करो क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करो, जैसे बोलेगा what will be the effect on rate if concentration of A is double। आपको रेट का इफेक्ट बताना है, आगे कंसंट्रेशन ए का डबल कर दे, तो आपको पता है R बराबर के A का पावर 2 B का पावर -1, तो R इनिशियल इतना था, अब क्या किया फाइनल रेट आपको बताना है कि A को डबल कर दिया, A को डबल क्या है, देखो आप जब एक इस टाइप के क्वेश्चन में एक बात हमेशा याद रखना, जब किसी एक को छेड़ रहा है तो दूसरा हमेशा वो कांस्टेंट रखेगा। तो देखो यहाँ पे ए डबल किया है तो बी मेरा क्या रहेगा एज इट इज कांस्टेंट रहेगा, बी एज इट इज मेरा क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, आर एफ बराबर क्या लिख सकता हूँ, के 2 का पावर 2 मतलब 2 का पावर 2 a का स्क्वायर और b का पावर -1, इसको मैं बाहर ले आया तो मतलब 4 k a स्क्वायर b -1, और आपको पता है ये वैल्यू किसके बराबर है, आर आई के बराबर है। देखो तो आर एफ बराबर क्या होगा 4 times of rate of i,
आई बात समझ में? इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, ये निकाल सकते हो, या आप डायरेक्टली ऐसा बोल सकते हो कि रेट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन कंसंट्रेशन का पावर एन। आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो कि चेंज इन कंसंट्रेशन का पावर एन से भी आप क्या कर सकते हो, रेट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, शॉर्ट फॉर्मूला है, याद रखिएगा। बार बार आपको इतना लॉन्ग करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट रेट इज डायरेक्ट चेंज इन कंसंट्रेशन निकाल दीजिए, उसका पावर एन कर दीजिए, यू विल गेट आवर आंसर। चलो एक और इसी में दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, सपोज करो व्हाट विल इफेक्ट ऑन रेट इफ कंसंट्रेशन ऑफ बी, कंसंट्रेशन ऑफ बी इज रिड्यूस्ड टू 1/3। कंसंट्रेशन ऑफ बी इज रिड्यूस्ड टू 1/3, तो रेट क्या हो जाएगा, रेट इज डायरेक्ट कंसंट्रेशन ऑफ बी मतलब कितना, बी का 1/3 हो गया और पावर -1 था, चेंज इन कंसंट्रेशन कितना हुआ भाई, 1/3 टाइम्स हो गया। ठीक है, ऑलरेडी बोल दिया कि रिड्यूस हो चुका, 1/3 टाइम्स हो चुका है, मतलब चेंज कितना हुआ, 1/3 हुआ और उसका पावर -1, तो रेट रेट क्या हो जाएगा, रेट रेट जो हो जाएगा आपका 3 टाइम्स ऑफ आर ऑफ आई, आर ऑफ बराबर क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ इनिशियल, मतलब 3 टाइम्स रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आई बात समझ में? तो आप हम डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं और इस मेथड से भी करोगे तो भी आंसर सेम ही आने वाला है। तो डायरेक्टली आप देख लो कितने का कितना चेंज हो रहा है, आप डायरेक्टली उसके अकॉर्डिंगली आप कर सकते हो। ठीक है, एक और इसमें क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है, जैसे सपोज करो मैं बोलूं व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन रेट, व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन रेट इफ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज, व्हाट विल इफेक्ट ऑन रेट इफ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज डबल, इज डबल, व्हाट विल द इफेक्ट ऑन रेट इफ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज डबल। ठीक है, अब कंटेनर का वॉल्यूम डबल कर दिया तो दोनों दोनों रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो रेट डायरेक्टली बोल सकता हूं मैं कि रेट वॉल्यूम बढ़ने का मतलब कंसंट्रेशन का क्या होना, हाफ होना। तो ए का पावर भी हाफ, ए भी कितना हो जाएगा, 1/2 टाइम्स उसका पावर 2, और बी भी कितना टाइम्स हो जाएगा, 1/2 टाइम्स उसका पावर 1। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/4 इनटू 2, तो कितना हो जाएगा, R बराबर क्या हो जाएगा, RI/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, RI/2 हो जाएगा। आई बात समझ में? मतलब रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाफ भी हो जाएगा, मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि रेट बिकम्स हाफ, रेट बिकम्स 1/2, या रेट आप ऐसा भी बोल सकते हो रेट डिक्रीजेस बाय 2 टाइम्स। दोनों का मतलब क्या होता है, सेम ही होता है। अगर ऑप्शन में ये दिया जाए कि रेट हाफ हो चुका तो भी आंसर सही है, और अगर बोल दिया रेट डिक्रीज बाय 2 टाइम्स तो भी आंसर सही है, भैया आधे से डिक्रीज हो चुका है, 2 टाइम्स डिक्रीज हो चुका है ये रेट, तो भी इसका मतलब दोनों का मतलब क्या होता है, सेम ही होता है। आई बात समझ में? यहां तक क्लियर सबको? यहां से अब मैं ऐसा भी कर सकता हूं, क्या मैं रेट को ऐसा लिख सकता हूं 1/ चेंज इन वॉल्यूम का पावर एन। तो आप यह ऐसे भी रेट कर सकते हो, दो मीनिंग में ही वही है, 1/2 का पावर 2, 1/2 का पावर -1, तो 1/2 का पावर 1 आ जाएगा, तो रेट ऑलरेडी क्या हो चुका, हाफ टाइम्स हो चुका है, या रेट 2 टाइम्स डिक्रीज हो चुका है। दोनों का मतलब ये है, देखो अगर मैं बोल रहा हूँ रेट 2 टाइम्स डिक्रीज हो रहा है, या मैं बोल रहा हूँ रेट चेंज हो रहा है 2 टाइम्स, तो दोनों का मतलब अलग है। रेट 2 टाइम डिक्रीज हो रहा है मतलब वो रेट हाफ हो जा रहा है, और रेट 2 टाइम्स चेंज हो रहा है मतलब चेंज बढ़ जहां आता है, तो दो बातें होती है, हो सकता है वो इंक्रीज का भी बोल रहा हो या हो सकता है वो डिक्रीज का भी बोल रहा हो, तो ये दोनों बातें आपको क्या रखनी पड़ेंगी, थोड़ी ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो आई होप से यहाँ तक आपको चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, अब हम करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन का, आप इन दोनों मेथड से आप इजिली क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब हम थोड़ा और क्वेश्चंस करेंगे आपके और फर्दर प्रैक्टिस के लिए। ओके, जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ए टेंस टू प्रोडक्ट, ए टेंस टू प्रोडक्ट है, रेट बिकम्स हाफ व्हेन रेट
becomes half when red becomes half when concentration of A increases by concentration of A increases by concentration of A increases by 4 times concentration of A increases by 4 times determine order with respect to A determine order with respect to A. देखो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अब यहाँ पे आपको मैं एक सेकेंड मेथड बताऊंगा ऑर्डर निकालने के लिए. फर्स्ट मेथड आपको याद होगा मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, अगर आपको के का यूनिट पता है इसका मतलब आपको ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन भी पता है. ठीक है, वैसे ही सेम सिमिलर थिंग यहाँ पे भी है कि रेट बिकम्स हाफ व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ए इंक्रीजेस बाय 2 टाइम. तो याद रखिएगा ठीक है, चेंज इन रेट इज डायरेक्टली इक्वल आपको किसके करना है, चेंज इन कंसंट्रेशन का पावर एन. एन मतलब आपको ऑब्वियस बात है ऑर्डर हो गया. एन मतलब क्या हो गया, ऑर्डर हो गया. ठीक है, एन वेयर एन इज ऑर्डर. तो रेट बिकम्स हाफ मतलब ये कितना हो जा रहा है, आधा हो जा रहा है. जब कंसंट्रेशन का कितना किया गया है, कंसंट्रेशन ऑफ ए इज 2 टाइम्स मतलब 4 टाइम्स किया गया, 4 का पावर एन हुआ मतलब चेंजिंग कंसंट्रेशन 4 टाइम्स और उसका पावर एन, ये हमेशा रहेगा. ये शॉर्टकट टेक्निक है ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी. इससे ये कैसा सेकंड मेथड आप बोल सकते हो, सेकंड मेथड ठीक है, फर्स्ट मेथड के था, ये सेकंड मेथड है ऑर्डर डिटरमाइन करने का. तो इसको मैं डायरेक्ट करूं तो 2 का पावर -1 और 2 का पावर 2 कंपेयर 2 का पावर 2n 2 का पावर 2n तो n बराबर क्या हो जाएगा -1/2. n कितना हो जाएगा -1/2 हो जाएगा. ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पता चल जाएगा मुझे यहां से. ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चंस कर सकते हैं. ठीक है, तो इस ये आपको समझ में आए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपको रेट चेंज बोल रहा है और कंसंट्रेशन चेंज किया तो चेंज इन रेट बराबर क्या हो जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन का पावर ऑर्डर. तो मान संख्या कर सकते हैं, किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर निकाल सकते हैं. ठीक है, तो कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं इनके उनके ऊपर बेसिस आपको बेटर समझ में आए. ठीक है, जैसे अगर मैं बोलता हूं जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है आपका द एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ फॉर द रिएक्शन S2O8 2- aqueous +2I- aqueous tends to give it is giving you twice of SO4 2- +I2 aqueous. ये रिएक्शन है, इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है R is equal to K S2O8 2- I- S2O8 2- Au-. How would the rate changes if first concentration of S2O8 2- is halved. सेकेंड क्वेश्चन आपको जो दिया हुआ है वो बोला है कंसंट्रेशन ऑफ S2O- and I- इज हाफ. एक बार सिर्फ एक को हाफ किया है, दूसरे बार दोनों को हाफ किया है, तो रेट में चेंज कैसे आ जाएगा. ठीक है, तो हालांकि आप बोल सकते हैं ये क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड नहीं है, ये इससे प्रीवियस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड, क्योंकि मुझे पता है रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, चेंज इन कंसंट्रेशन का पावर एन, मुझे इसी के ऊपर बेस पता है. अब आपके चारों कंसंट्रेशन के यूनिट को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, वहां से आप क्या कर सकते हो, आप पता कर सकते हो क्या कैसे चेंज कर रहा है. देखो S2O8- का ऑर्डर क्या होगा 2, I- का ऑर्डर क्या दिया हुआ
वन दिया हुआ, आई माइनस का ऑर्डर दिया हुआ वन, तो रेट जो चेंज होगा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन बाय टू। पहला क्वेश्चन में कर रहा हूँ, पहला क्वेश्चन का कंसेप्ट है सब एस टू ओ माइनस इज हाफ, और ये कितना दिया हुआ टू टाइम्स दिया हुआ माइनस टू, अच्छा ये सॉरी ये माइनस वन है, माई मिस्टेक, ये टू माइनस अंदर है, ये भी पावर वन है, ये भी पावर वन है, ठीक है, सॉरी ये पावर वन है, इसका मतलब इसको हाफ किया तो ये कांस्टेंट है, तो रेट कितने टाइम्स हो जाएगा मेरा, रेट इज आर एम बराबर क्या हो जाएगा आर आई बाय टू, कितने टाइम्स हो जाएगा रेट, हाफ टाइम्स हो जाएगा क्योंकि इसका पावर वन है, तो मतलब ओवरऑल रेट क्या हो जाएगा मेरा हाफ हो जाएगा, ठीक है। बाकी का नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बताऊं आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि H2O माइनस I माइनस दोनों चेंज किया, मतलब H2O माइनस को भी हाफ कर दिया और I माइनस को भी हाफ कर दिया, तो रेट कितने टाइम्स हो जाएगा 1 बाय 4 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ इनिशियल, तो दोनों पावर 1 को 1 बाय 2 1 बाय 2 क्या हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा, तो डायरेक्टली भी मैं कर सकता हूं इन चीजों को, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा वो है ओके ओके सॉरी माय मिस्टेक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा a plus b टेंस टू प्रोडक्ट आपको दिया हुआ, a plus b टेंस टू प्रोडक्ट दिया हुआ आपको, ठीक है, जिसमें क्या बोल रहा है a को डबल करने से रेट जो हो रहा है वो रेट हो रहा है 4 टाइम्स हो रहा है, कितना हो रहा है 4 टाइम्स हो रहा है, और b को ट्रिपल करने से रेट 1 बाय थर्ड हो रहा है, रेट कितना हो रहा है 1 बाय थर्ड टाइम हो रहा है, ठीक है। बोल क्या रहा है कैलकुलेट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड बी, ठीक है, आपको क्या बताना है ए और बी के रिस्पेक्ट का ऑर्डर बताना है, तो कोई बात नहीं, चेंज इन कंसंट्रेशन मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन कितना टाइम हो रहा है 4 टाइम्स हो रहा है, कितना ऑर्डर किया जब ए का कितना किया डबल किया, ए को डबल करने मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, तो टू टाइम्स किया, देखो फॉर्मूला क्या होता है, देखो चेंज इन रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा चेंज इन कंसंट्रेशन का पावर एन, ठीक है। अब रेट कितने टाइम्स से चेंज हुआ 4 टाइम में चेंज हुआ, ठीक है, कंसंट्रेशन जब कितना किया 2 टाइम्स किया 2 का पावर एन, तो बी मेरा ऑब्वियस से बात है जब ए को चेंज किया तो रेट 4 टाइम्स है, तो बी की तो बारे में कुछ चर्चा नहीं की, जब जिसके बारे में चर्चा नहीं की वो अपने आप कांस्टेंट होगा, तो एन का तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 2 का पावर 2 और 2 का पावर एन, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, ठीक है। और अगर सेकंड क्या बोला रेट क्या हो रहा 1 बाय 3 टाइम्स हो रहा है, जब बी को कितना कर रहा है ट्रिपल कर रहा है, तो एन एम मान लेते हैं इसको, तो 3 के 1 बाय 3 को मैं क्या लिख सकता हूं 3 का पावर माइनस 1 और 3 का पावर m, तो मतलब m की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 1 हो जाएगी, ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ a कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और ऑर्डर ऑफ b कितना हो जाएगा मेरा माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं ऑर्डर भी पता कर सकते हैं, अगर आपको रेट इफेक्ट पता, अगर आपको चेंज इन रेट पता, तो ये मेरा सेकंड मेथड हुआ, पहला मेथड मेरा केस है, सेकंड मेथड चेंज इन रेट अगर आपको पता है तो आप ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन भी पता कर सकते हैं, तो इसका रेट का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा r = k a का पावर -2 सॉरी +2 b का पावर -1, इज दैट क्लियर, दिस इज योर रेट का एक्सप्रेशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जेई एडवांस में आया हुआ है, ठीक है, फिर से मैं रिपीट करूं, ये जो क्वेश्चन है जेई एडवांस में आया हुआ है, थोड़ा प्लीज पॉज करिएगा फिर अटेम्प्ट करिएगा उसके बाद इस क्वेश्चन को करिएगा, ठीक है। चलो ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला आपका, क्वेश्चन बोला ये जेई एडवांस में, ईयर मुझे याद नहीं आ रहा है तो प्लीज एक बार चेक करिएगा ईयर कौन से ईयर में, ठीक है। क्वेश्चन ये बोल रहा है a plus b plus c tends to product, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन उसने क्या दिया, ऑन डबलिंग द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर ऑन
doubling the volume of container, on doubling the volume of container, on doubling the volume of container, the concentration of A, the concentration of A, on doubling the volume of the container rate, sorry, the on doubling the volume of the container, sorry, on doubling the volume of the container, the rate decreased by 8 times, rate decrease by 8 times, ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, on doubling the concentration of A, on doubling the concentration of A and reducing concentration of B and reducing concentration of B to half rate becomes 4 times on increasing concentration of C by 4 times the rate increases by 64 times. Determine the order with respect to A, B and C and calculate overall order आपसे पूछा। देखो भले मैं मान रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपको लेंदी लग रहा होगा, सर ये तो बड़ा सा क्वेश्चन, बट बिलीव मी लाइन बाय लाइन पढ़ते जाओ, चेंज इन रेट इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन वाला फॉर्मूला लगाते जाओ, सारा क्वेश्चन आसान है, ठीक है। पहला लाइन क्या बोल रहा है, ऑन डबलिंग द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर रेट डिक्रीजेस बाय 8 टाइम। जब वॉल्यूम को डबल किया गया तो कंसंट्रेशन हाफ हो गया, तो इसका मतलब चेंज इन रेट तो कितना हो गया, चेंज इन रेट हो गया आपका 8 टाइम और चेंज इन कंसंट्रेशन कितना हुआ 1/2 का पावर। जैसे सपोज करो, चलो ऐसा समझो, नॉट डायरेक्टली नहीं करते हैं, आपको नहीं समझ में आएगा। चलो रिएक्शन आपका क्या दिया, ए प्लस बी प्लस सी टेंड्स टू प्रोडक्ट, ये आपको दिया हुआ है। अगर मैंने सपोज करो ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए पी माना, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू क्यू माना और ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू सी आर मैंने अपने आप मान लिया, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन, पहला इक्वेशन क्या बोला, हर बार तीन इक्वेशन बनेगा, ऑब्वियस सवाल है, तीन वेरिएबल है तो तीन इक्वेशन बनाएगा, क्वेश्चन खत्म यहीं पे। जब वॉल्यूम ऑफ कंटेनर डबल किया, जब बेटा वॉल्यूम, जब कंटेनर के वॉल्यूम को डबल कर दिया गया तो ऑटोमेटिकली एक ही कंटेनर में पूरे रिएक्शन चल रहा है, तो तीनों रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, क्योंकि कंटेनर तो एक ही है, रिएक्शन भी एक ही कंटेनर में हो रहा है, तो तीनों कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, हाफ। और चेंज इन रेट कितने टाइम बोल दिया, 8 टाइम्स, तो क्या मैं बोल सकता 1/2 का पावर पी, 1/2 का पावर क्यू और 1/2 का पावर आर, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, गुड। अगर मैं ऐसा लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, 8 to the power 3, क्या लिख सकता हूँ, 2 to the power p + q + r, बेसिक मैथमेटिक्स से ये ऊपर चला जाएगा तो ये मैं हो जाएगा, सॉरी माय मिस्टेक, इट्स माय मिस्टेक, 1/2 to the power p + q + r, ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ऑन डबलिंग द कंटेनर द रेट डिक्रीजेस बाय, और सॉरी ये भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो 1/8 टाइम्स हो रहा है, सॉरी माय मिस्टेक, क्योंकि डिक्रीज रेट डिक्रीज बोलू, या मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि रेट रिड्यूस टू 1/8 टाइम्स, मतलब तो एक ही है, तो इसका रेट डिक्रीज बाय 1/8 टाइम्स, मतलब हुआ देखो, इसलिए वो ये यहां वहां पे जो क्वेश्चन कराया था मैंने आपको भी खुद भी समझाया था कि रेट रिड्यूस टू हाफ बोलू या रेट डिक्रीज बाय 2 टाइम्स बोलू, इसका मतलब भी 1/2 होता है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1/2 to the power 3, तो यहां से पहला इक्वेशन क्या आ रहा है, p + q + r = कितना आ जाएगा, 2 to the power 3, मतलब ये मेरा पहला इक्वेशन बना। अब सेकंड इक्वेशन क्या बोल रहा है, ठीक है, सेकंड इक्वेशन बोल रहा है, यहां से निकलेगा
ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है, ए का कंसंट्रेशन आपने डबल किया मतलब 2 का पावर p होगा, ठीक है, डबलिंग एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी टू हाफ, कंसंट्रेशन ऑफ चेंजिंग कंसंट्रेशन बी कितना हुआ, हाफ हुआ, उसका पावर क्यू हुआ, ठीक है, तो रेट कितने टाइम्स हो रहा है, 4 टाइम्स हो रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 का पावर p - q लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि जब ये रिवर्स जाएगा तो माइनस क्यू हो जाएगा, तो क्या यहाँ से सेकंड इक्वेशन क्या निकलेगा, p - q = क्या निकलेगा, 2, ठीक है। थर्ड इक्वेशन क्या बोल रहा मुझे, ऑन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ सी बाय 4 टाइम्स रेट इंक्रीजेस बाय 64 टाइम्स, मतलब 60 रेट चेंज इन रेट 64 टाइम हुआ, कम चेंजिंग कंसंट्रेशन ऑफ सी कितना हुआ, 4 टाइम्स, 4 का पावर r हुआ, ऑब्वियसली कंसंट्रेशन का पावर r, क्योंकि फॉर्मूला क्या था, चेंज इन रेट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन का पावर ऑर्डर, तो ये तो छोड़ना नहीं है आपको किसी भी इक्वेशन में, तो क्या मैं इसको 64 का पावर क्यूब और 4 का पावर r लिख सकता हूं, तो r की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 3, r की वैल्यू 3 आएगी, तो यहां से इक्वेशन क्या बनेगा, p + q + 3 = 3, 3 3 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, p + q = 3, तो दो इक्वेशन दो वेरिएबल, p प्लस क्यू इक्वल टू 0 और p माइनस क्यू इक्वल टू 2, हाँ राइट, तो दोनों को मैंने क्या कर दिया, यहां से मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2p बराबर क्या हो जाएगा, 2, तो p बराबर क्या हो जाएगा, 1, p बराबर 1 हो जाएगा, तो q बराबर क्या हो जाएगा, -1, तो ओवरऑल ऑर्डर कितना हो गया आपके पास, ओवरऑल ऑर्डर हो गया आपके पास, कहां से लिखो, ओवरऑल ऑर्डर यहीं पे लिख देता हूं, ओवरऑल ऑर्डर में कितना हो गया, p प्लस +1 -1 +3, तो -1 -1 3 ओवरऑल ऑर्डर आपके पास कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन बना था, ठीक है, इसलिए मैंने आप सोचा आपको करा दूं, ठीक है, ओवरऑल ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया, ठीक है, अब देखो कुछ में है एक्सपेरिमेंटल्स लिख रहा हूँ, कुछ रिएक्शंस के जो रेट ऑफ एक्सप्रेशन एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किए हैं वो मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, उसके पीछे भी लॉजिक आपको मैं समझाता हूँ, ठीक है, चलो ठीक है, सम इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल, सम इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल, सम इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल इलस्ट्रेटिंग डिफरेंट वैल्यू ऑफ, इलस्ट्रेटिंग डिफरेंट different value of order and rate law expression, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल मैं आपको करा रहा हूं, ठीक है, तो समझो बात को, जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जैसे पहला रिएक्शन है N2O5 twice of N2O5 tends to 4 of NO2 plus O2, ठीक है, ये मेरा रिएक्शन है, ठीक है, आपको दिखने में तो इस सेकंड ऑर्डर का दिख रहा हो क्योंकि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, बराबर, बट बिलीव मी आपको मैंने पहले भी बोला हमेशा ऑर्डर क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइन क्वांटिटी होती है, तो जब इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन निकाला गया एक्सपेरिमेंटली तो इसका क्या निकला, आर इज इक्वल टू के N2O5 का पावर 1, तो समझ लो दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यहाँ पे स्टोइकोमेट्री आधा भी लिखता था तो क्या इस ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन को फर्क पड़ता था, नहीं, तब भी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन मेरा क्या होता था, 1 ही होता था, आई बात समझ में, तो ये मेरा पहला एग्जांपल था, ठीक है, सेकंड एग्जांपल में देखो क्या है, 5Br- प्लस Br O3, तो पहले एग्जांपल मैंने क्या सोचा, एक तो स्टोइकोमेट्री का ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन से कोई रिलेशन नहीं होता, यहाँ पे स्टोइकोमेट्री कुछ भी रखो, मैं लिखो, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ N2O5 tends to twice of NO2 plus half O2, तो क्या क्या रिएक्शन चेंज हो जाता, रिएक्शन तब भी यही रहता था, स्टोइकोमेट्री चेंज कर दी, बट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि इट्स एन एक्सपेरिमेंटल, स्टोइकोमेट्री आपके हाथ में होता, मतलब एक स्टूडेंट के हाथ में स्टोइकोमेट्री होता है, टीचर के हाथ में स्टोइकोमेट्री, वो कुछ भी लिखेगा, भैया मेरे मर्जी में ऐसा नहीं, मैं लिखूंगा 4N2O5 8N2 twice of O2 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट रेट लॉ एक्सप्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब N2O5 का ऑर्डर हमेशा 1 ही रहेगा, वो कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है, तो 5Br - BrO3 - +6H+
plus 6H plus tends to give 3Br2, 3Br2 plus 3Br2 plus 3H2O plus 3H2O. ठीक है, जब इसका रेट ला एक्सप्रेशन निकाला गया या इसका एक्सपेरिमेंट से जब इसका ऑर्डर निकला तो रेट ला एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से बना, Br माइनस माइनस वन में आया, BrO3 माइनस वन हुआ, BrO3 माइनस वन हुआ, BrO3 माइनस माइनस वन हुआ, ठीक है, एंड H प्लस कितना हुआ, प्लस वन हुआ, ठीक है, H प्लस क्या हुआ, अगेन देखो Br का स्टोइकोमेट्रिक फाइव था लेकिन उसका ऑर्डर कितना है, माइनस वन है, BrO3 माइनस का कोफिशिएंट कितना है, वन है, तो ये कितना है, माइनस वन, मतलब देखो स्टोइकोमेट्रिक कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता बट ऑर्डर नेगेटिव हो सकता है, तो दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ से निकला कि स्टोइकोमेट्री नेगेटिव नहीं हो सकता बट ऑर्डर कभी भी नेगेटिव हो सकता है, और स्टोइकोमेट्री का और ऑर्डर से कोई रिलेशन नहीं होता क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, आई बात समझ में, तीसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे, ट्वाइस ऑफ ओ थ्री, ट्वाइस ऑफ ओ थ्री टेंस टू थ्राइस ऑफ ओ टू, थ्राइस ऑफ ओ थ्री टेंस टू थ्राइस ऑफ ओ टू, तो आर इज इक्वल टू K, R is equal to K, O3 का पावर 1, O2 का पावर माइनस 1. आपको ये थोड़ा अजीब नहीं दिख रहा है? कैसे? आप देखो, अभी तक मैंने रेट लॉ एक्सप्रेशन में सिर्फ रिएक्टेंट को ही इंक्लूड किया था, बट ऐसा जरूरी नहीं है, एक किसी भी रेट लॉ एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट इवन दो कैटलिस्ट भी आ सकता है बट एक सब चांस कभी भी नहीं आ सकता रेट लॉ एक्सप्रेशन में, उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट, लाइक कार्बोकैटायन, कार्बन एनायन, ठीक है, ये फ्री रेडिकल, ये कभी भी इंटरमीडिएट रेट लॉ एक्सप्रेशन में नहीं आते, इसका एक सबसे बड़ा रीजन भी है, वो रीजन ये है कि देखो इंटरमीडिएट मतलब क्या होता है कि ड्यूरिंग द रिएक्शन बने और ड्यूरिंग द रिएक्शन ही खत्म हो जाए, तो इस वजह से वो कभी भी रेट लॉ एक्सप्रेशन का पार्ट बन ही नहीं सकता, दैट्स नॉट पॉसिबल, आई बात समझ में, इसे रेट लॉ एक्सप्रेशन में प्रोडक्ट भी आ सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ रेट लॉ एक्सप्रेशन रिएक्टेंट को ही इंक्लूड करे, ऐसा कोई जरूरी नहीं, ऐसा कोई मिथ नहीं है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट और कैटलिस्ट तीनों आ सकते हैं बट इंटरमीडिएट नहीं आ सकता, आई बात समझ में, फोर्थ एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, फोर्थ एग्जांपल के लिए बात करूं, NO2 plus CO, NO2 plus CO, ये आपको देगा NO plus CO2, NO plus CO2, इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन जब निकाला गया तो NO2 का पावर 2, NO2 का पावर 2 और CO का पावर 0 और CO का पावर 0, तो आपको देखने से पता चला अगेन स्टोइकोमेट्री का कोई रिलेशन नहीं है, NO2 का ऑर्डर 2 है, कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑर्डर 0 हो गया, ठीक है, तो आपको यहां से देखने से, ये देखो पांच छह एग्जांपल इससे करा तो आपको ऑर्डर का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो, एक बार ऑर्डर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना तो केमिकल काइनेटिक्स में सच्ची में कोई दम नहीं, इस पूरे टॉपिक में कोई दम नहीं, बस एक बार ऑर्डर का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लो, ठीक है, नेक्स्ट है CH3CHO, CH3CHO, इसके लिए हमने क्या लिखा है CH4CO, 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 तो R is equal to क्या हो जाएगा K, CH3CHO, CH3CHO का पावर 3 by 2, ऑर्डर फ्रैक्शन में भी जा सकता है, इसका मतलब भी यही है, ठीक है, लास्ट बट नॉट लिस्ट एग्जांपल सिक्स्थ अपना जो होगा ट्वाइस ऑफ एसओ2 प्लस ओ2, एसओ2 प्लस ओ2 टेंस टू गिव ट्वाइस ऑफ एसओ3, ठीक है, और एनओ एज अ इसमें कैटलिस्ट यूज किया जाता है, तो इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होता है आपको जान के आश्चर्य होगा, O2 का पावर 1, O2 का पावर 2 होता है, सॉरी O2 का पावर 2 और NO का पावर 1, NO का पावर 1, मतलब SO2 का पावर क्या होगा 0, मतलब इससे 0 ऑर्डर रिएक्शन होता है SO2 के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट आ गया, रिएक्टेंट तो है और कैटलिस्ट भी आ सकता है, आई बात समझ में, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग हम रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखे, कैटलिस्ट भी हम डाल सकते हैं, ठीक है, तो ये जो मैंने पॉइंट्स आपको सिखाए थे बस उनको मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, रिपीट क्या है देखो आगे पूरे एग्जांपल से मुझे ये पता चलता है, पता चला पहला बात मुझे क्या पता चलता है कि किसी भी रिएक्शन के स्टोइकोमेट्री का ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन से कोई रिलेशन
नहीं होता। स्टोइकोमेट्री नेगेटिव कभी नहीं हो सकता, बट ऑर्डर मेरा नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। स्टोइकोमेट्री चेंज कर दो, आप स्टोइकोमेट्री चेंज कर दो, रिएक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। रिएक्शन भले चेंज भी हो जाएगा, उसका रेट ऑफ रिएक्शन चेंज, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाएगा, इवन तो रेट कॉन्स्टेंट भी चेंज हो जाएगा, बट ऑर्डर हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है। तो ये बात भी आप समझ लो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या समझ में, रेट लाइक, रेट लॉ एक्सप्रेशन में हम क्या लिख सकते हैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन हम रिएक्टेंट इंक्लूड कर सकते हैं, प्रोडक्ट इंक्लूड कर सकते हैं, इवन तो कैटलिस्ट भी इंक्लूड कर सकते हैं, बट इंटरमीडिएट कभी भी इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तीन चार पॉइंट सर जो मैं अभी लिखा दे रहा हूँ, ताकि ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। From all the above example, तो नोट बना के इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिख देता हूं, फ्रॉम ऑल द अबव एग्जाम्पल, ऑल द अबव एग्जाम्पल, फ्रॉम ऑल द अबव एग्जाम्पल, इट इज क्लियर दैट इट इज क्लियर दैट इट इज क्लियर दैट देयर इज नो रिलेशन बिटवीन between stoichiometry of reaction, stoichiometry of reaction and order of reaction and order of reaction, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या, ऑर्डर इज ऑलवेज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, ऑर्डर इज ऑलवेज डिटरमाइंड experimentally, order is always determined experimentally, which is fixed, but stoichiometry is in our hand, which can be changed, ठीक है। स्टोइकोमेट्री को चेंज किया जा सकता है, ठीक है, बट ऑर्डर कभी भी चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, रेट लॉ एक्सप्रेशन नॉर्मली इन्वॉल्व, रेट लॉ एक्सप्रेशन नॉर्मली इन्वॉल्व रिएक्टेंट, but it may involve product and catalyst, but reaction intermediate will not appear in rate law expressions, को शॉर्ट फॉर्म में RLE लिखते हैं, ठीक है। वही है रिएक्टेंट, RLE में रिएक्टेंट प्रोडक्ट कैटलिस्ट तीनों आ सकता, बट कभी भी रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं आ सकता, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, ऑन चेंजिंग स्टोइकोमेट्री ऑफ द रिएक्शन, ऑन चेंजिंग स्टोइकोमेट्री ऑफ रिएक्शन राइट। अगर स्टोइकोमेट्री चेंज किया तो क्या क्या चेंज कर सकता है, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होगा, बिल्कुल होगा, जो मैंने आपको NH3 वाला एग्जांपल दिया था अमोनिया वाला, तो याद है उसमें रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो रहा था, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो सकता है, इवन तो आपका क्या चेंज हो सकता है, रेट कॉन्स्टेंट चेंज हो सकता है, बट क्या चेंज नहीं हो सकता, रेट ऑफ डिफरेंट स्पीसीज,
क्योंकि उनको कभी भी स्टोइकोमेट्री की जरूरत नहीं होती। एक वो चेंज नहीं होगा, दूसरा आपका क्या चेंज हो सकता है, दूसरा आपका ऑर्डर, एक ऑर्डर भी चेंज हो सकता है। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ ऑन स्टोइकोमेट्री, ऑन चेंजिंग द स्टोइकोमेट्री ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट चेंजेस, एंड रेट कांस्टेंट चेंजेस, रेट कांस्टेंट चेंजेस, बट रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ, बट रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज डज नॉट चेंजेस। ठीक है, पर्टिकुलर स्पीसीज का रेट कभी भी चेंज नहीं होता है। आई बात समझ में? ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे फिफ्थ पॉइंट क्या बोलता है, ठीक है, आपको पता होगा रिएक्शन दो टाइप के होते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द मैकेनिज्म हम रिएक्शन को दो टाइप से डिवाइड करते हैं। आपने थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक में आइडिया दिया होगा। एक मैकेनिज्म होता है सिंगल, अगर सिंगल स्टेप का रिएक्शन होता है उसको हम एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं, या उसका मैकेनिज्म भी एक ही होता है। अगर मैकेनिज्म में तीन चार स्टेप इन्वॉल्व है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो पहले मैं पॉइंट लिख देता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, ओनली फॉर सिंपल ऑब्लिक, ओनली फॉर सिंपल ऑब्लिक एलिमेंट्री, एलिमेंट्री सिंगल स्टेप रिएक्शन, सिंगल स्टेप रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू स्टोइकोमेट्री ऑफ रिएक्शन, स्टोइकोमेट्री ऑफ द रिएक्टेंट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू स्टोइकोमेट्री, सॉरी स्टोइकोमेट्री कोफिशिएंट, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट ऑफ द रिएक्टेंट, बट एनी रिएक्शन, बट एनी रिएक्शन इज सिंपल और नॉट, बट एनी रिएक्शन इज सिंपल और नॉट, कैन नॉट बी डिसाइडेड बाय, कैन नॉट बी डिसाइडेड बाय, कैन नॉट बी डिसाइडेड बाय लुकिंग स्टोइकोमेट्री, बाय लुकिंग स्टोइकोमेट्री, बाय लुकिंग स्टोइकोमेट्री ऑफ रिएक्शन, बाय लुकिंग स्टोइकोमेट्री ऑफ रिएक्शन, बाय लुकिंग स्टोइकोमेट्री ऑफ, बाय लुकिंग स्टोइकोमेट्री ऑफ रिएक्शन इट शुड बी डिसाइडेड एक्सपेरिमेंटली, इट शुड बी डिसाइडेड एक्सपेरिमेंटली, इट शुड बी डिसाइडेड एक्सपेरिमेंटली विद द हेल्प ऑफ मैकेनिज्म, विद द हेल्प ऑफ मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इसका मीनिंग आपको मैं समझाता हूँ, हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, और इसको हम डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे, आगे एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है, अगर मैकेनिज्म में एक से ज्यादा स्टेप होते हैं तो वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है, और अगर नहीं होते तो एलिमेंट्री रिएक्शन होता है। सिंपल सा बात सा, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दिस इज एन एलिमेंट्री रिएक्शन या दिस इज द सिंगल स्टेप रिएक्शन, इसका मतलब जो उसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा रिएक्टेंट का, वही आपका क्या होगा, वही आपका क्या होगा, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन भी, मतलब ऑर्डर ऑफ द रिएक्टेंट भी होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल बात करो, जैसे H2 प्लस Cl2 टेंड्स टू ट्वाइस ऑफ HCl। ठीक है, H2 प्लस Br2 टेंड्स टू ट्वाइस ऑफ HBr, और H2 प्लस I2 टेंड्स टू ट्वाइस ऑफ HF। देखने में तो रिएक्शन बहुत सिंपल है,
बिंदास, नो डाउट, बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है, बट क्या आप देख के बता सकते हो कि इनमें से कौन सा? देखो है तो सब सिंगल स्टेप रिएक्शन दिखने में, मैं मैकेनिज्म की बात नहीं कर, दिखने में तो सिंगल स्टेप रिएक्शन है, बट क्या ये एलिमेंट्री रिएक्शन होंगे? चलो इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो डिफाइन होता है R इज इक्वल टू, ठीक है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन होता है एच टू का पावर जीरो सीएल टू का पावर जीरो. मंजे दिस इज नॉट अ सिंपल रिएक्शन, ये सिंपल रिएक्शन नहीं होगा. इसका रेट ऑफ रिएक्शन देखा गया तो इसका ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली एच टू का पावर वन और आई टू का पावर वन. ये आप बोल सकते हो दिस इज अ सिंपल रिएक्शन, बट डायरेक्टली जब तक आपको रेट का एक्सप्रेशन नहीं दिया तब भी आप डिफाइन नहीं कर सकते हो. अगर मान लो मैंने बोल दिया कि दिस इज अ एलिमेंट्री रिएक्शन, तब आप डायरेक्टली आप रेट का एक्सप्रेशन ऐसा लिख सकते हो कि H2 का पावर 1 I2 का पावर 1, या रेट का एक्सप्रेशन दिया हुआ ऐसा तो आप बोल सकते हो दिस इज अ एलिमेंट्री रिएक्शन, बट क्या आप बिना इन दोनों इंफॉर्मेशन के दिया बता सकते हो? कभी नहीं बता सकते, बिकॉज इट्स एन एक्सपेरिमेंटल. इसका रेट का एक्सप्रेशन तो और भी महान है. कैसे? इसका देखो, इसका जो आता है कि H2Br2 का पावर हाफ डिवाइडेड बाय K1, अच्छा K1 1 प्लस K2 HBr इनटू Br. तो देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड है, तो बाय डायरेक्टली हम देख के कभी भी नहीं बता सकते कि सिंपल है या नहीं है. या तो क्वेश्चन में वो देगा या तो वो रेट लॉ एक्सप्रेशन देगा. जब चेक कर लो भाई रेट लॉ एक्सप्रेशन में उस पर्टिकुलर रिएक्टेंट का पावर और कोफिशिएंट स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट उस रिएक्टेंट का सेम है, तो इट मींस क्या है, दिस मींस एलिमेंट्री रिएक्शन, बट हर कोफिशिएंट सेम होना चाहिए. मतलब तीन रिएक्टेंट है, तीनों का जो पावर है तीनों के स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट मैच करे तो भी वो, ऐसा नहीं दो का मैच करे तीसरे का मैच नहीं करे तो भी वो एलिमेंट्री नहीं कहलाएगा. तीनों दो रिएक्टेंट है, दोनों का पावर और दोनों का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट सेम है, तभी वो क्या कहलाता है, एलिमेंट्री रिएक्शन कहलाता है. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है. ठीक है, सिक्स्थ पॉइंट जो है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है. ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आल्सो चेंजेस विद ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आल्सो चेंजेस विद ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आल्सो चेंजेस विद द कंडीशन विद द कंडीशन अंडर विच रिएक्शन इज परफॉर्म अंडर विच रिएक्शन इज परफॉर्म. मतलब ऑर्डर ऐसा नहीं कि किसी रिएक्शन का फिक्स होता है, अगर आपने कंडीशन चेंज कर दी तो हो सकता है उसी रिएक्शन का ऑर्डर भी क्या हो जाए, चेंज हो जाए. जैसे फॉर एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड सरफेस एट वेरी लो प्रेशर अगर डिकम्पोजिशन ऑफ गैसेस है और लो प्रेशर पे उसको कैरिड आउट किया गया है, ठीक है, तो वो कौन सा फॉलो करता है? लो प्रेशर फॉलोस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. कौन सा फॉलो करता है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन व्हाइल एट वेरी हाई प्रेशर फॉलोस जीरो ऑर्डर रिएक्शन. तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है भैया, फर्स्ट ऑर्डर का फॉलो अगर डिकम्पोजिशन ऑफ गैस सॉलिड सरफेस पर बहुत लो प्रेशर पर, मतलब फर्स्ट ऑर्डर है, हाई प्रेशर पर मतलब जीरो ऑर्डर पर. ठीक है, तो एक क्वेश्चन देता हूं आपको इसी के ऊपर बेस. रेट ऑफ अ सर्टेन रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन dc by dt minus is equal to
k1c plus k2c determine order and rate constant of reaction when the reaction order rate constant of the reaction when the concentration pehla hai very low second kya bola very high theek hai अभी आपने बोला प्रेशर यहाँ पे तो आपने प्रेशर दिया अरे प्रेशर और कंसंट्रेशन एक ही क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सीआरटी तो बस उसने यही बोला है कि अगर मान लो कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा लो हुआ तो क्या होगा और बहुत ज्यादा हाई हुआ तो ऑर्डर और रेट कांस्टेंट क्या होगा चलो करते हैं ठीक है पहला सी इज वेरी लो मतलब सी टेंड्स टू जीरो बहुत लो पे कौन सा फॉलो करता है हमेशा फर्स्ट ऑर्डर फॉलो करता है तो आंसर तो आपका हो गया पहला कि ऑर्डर तो क्या होगा आपका वन होगा ऑर्डर क्या होगा वन इसको मैं प्रूफ करके बता रहा हूँ सी टेंस टू वेरी वेरी लो मतलब सी टेंस टू जीरो हो गया सी टेंस टू जीरो होने का मतलब क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ के टू सी भी टेंस टू क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा भैया किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दो दुनिया में कोई भी नंबर को आप जीरो से मल्टीप्लाई करो तो वो जीरो ही कहलाता है तो क्या मैं बोल सकता हूँ 1 plus k2c किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा चलो तो minus dc by dt मेरा किसके बराबर होगा k1c divided by 1 plus k2c और ये अगेन ऑलरेडी किसके बराबर होगा 1 के तो k1c बराबर हो गया तो ये जो यही क्या रेट है तो रेट बराबर क्या हो जाएगा k1c तो कंसंट्रेशन का पावर क्या रहा मेरा 1 आ रहा तो आपको देखने से भी समझ में आ रहा तो ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा इसलिए मैंने आपको डायरेक्टली बोल दिया एट वेरी लो प्रेशर या लो वेरी लो कंसंट्रेशन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन में से क्या फॉलो हो जाता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉलो हो जाता है ठीक है बहुत ज्यादा वेरी वेरी हाई प्रेशर में मतलब क्या होगा सी टेंड्स टू इनफिनिट क्या हो जाएगा सी टेंड्स टू इनफिनिट तो माइनस डीसी बाय डीटी को मैं क्या लिख सकता हूं k1c बाय 1 plus k2c ये इक्वेशन है अब यहां से मैं सी कॉमन ले लेता हूं तो k1c एज इट इज रहेगा सी बाहर ले लिया यहां पे 1 बाय सी हो जाएगा क्योंकि यहां सी है तो सी से डिवाइड कर दिया प्लस k2 ठीक है लिमिट सी टेंस टू इनफिनिटी ठीक है तब ये बताओ ये तो जीरो हो जाएगा ठीक है सी और सी कैंसिल तो यहां पे आपका रेट किसके बराबर आ रहा रेट बराबर आ रहा मतलब माइनस डीसी बाय डीटी इज नथिंग बट रेट तो ये क्या आपको देगा k1 बाय k2 तो देख रहे आप कंसंट्रेशन का पावर क्या है यहां पे जो कंसंट्रेशन का टर्म नहीं है इसका मतलब इट इज पावर जीरो इट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन आई बात समझ में तो आपको ये यहाँ से आपको प्रूफ भी मिल गया ठीक है कोई दिक्कत यहाँ तक ठीक है एक क्वेश्चन कर दो ठीक है एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं उसके बाद एक बार देखते हैं टाइम कितना होगा अपना ठीक है चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं फिर आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी ठीक है सपोज करो 2a plus b tends to आपको प्रोडक्ट दिया हुआ है 2a plus b tends to प्रोडक्ट है ठीक है R1 बराबर क्या हो जाएगा R1 बराबर हो जाएगा K1 A square B का पावर 1 ठीक है इसका ये रेट का एक्सप्रेशन दिया हुआ है ठीक है अब इस रिएक्शन का क्या कर दिया उसने स्टोइकोमेट्री चेंज कर दिया A टेंड्स टू प्रोडक्ट दिया हुआ है ठीक है जितना दिया हुआ R2 किसने दिया हुआ K A का पावर X और B का पावर Y R2 उसने क्या दिया A का पावर X और B का पावर y दिया हुआ तो उसने क्या पूछा determine relation between k1 and k2 also find x and y तो आई थिंक पॉइंट नंबर इससे पहले मैंने कौन सा कराया था कि पॉइंट सेकंड या थर्ड था कि जिसमें मैंने आपको मैंने क्या बताया कि भैया अगर आपने स्टोइकोमेट्री चेंज भी कर दिया ऑर्डर सेम रहेगा ऑर्डर क्या रहेगा सेम भले रेट ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाए चेंज हो जाए ये बात मानते हो तो
तो यहां से मैं डायरेक्ट x की वैल्यू तो क्या लिख सकता हूं 2 लिख सकता हूं, y की वैल्यू क्या लिख सकता हूं 1, तो ऑर्डर में तो कोई चेंजेस नहीं आएगा पहला पार्ट का। अब k1 k2 में रिलेशन देख लेते हैं। चलो क्या r1 को मैं लिख सकता हूं -1/2 dA/dt r1 के बराबर, कर सकता हूं मैं? हां या ना? ठीक है, कभी नहीं कर सकता हूं। क्या मैं इस पर्टिकुलर स्पीशीज का रेट कैसे लिख सकता हूं -1/4 dA/dt, क्या ये r2 के बराबर नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अगर मैंने यहां से dA/dt को क्या लिखा, यहां पे ट्वाइस ऑफ r1 लिख दिया, तो dA/dt यहां से निकला, यहां पे dA/dt क्या निकला -dA/dt क्या निकला 4r2 निकला, दोनों को इक्वेट कर दो तो ट्वाइस ऑफ r1 बराबर क्या हो जाएगा 4 ऑफ r2। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ k1 a का पावर स्क्वायर b का पावर 1 4 a का पावर सॉरी 4 टाइम्स k2 a का पावर 2 b का पावर 1, क्योंकि ये तो कभी चेंज नहीं होगा, तो ये और ये और ये क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो k1 बराबर क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ k2। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन k1 एंड k2। क्योंकि देखो ये तो इक्वेशन में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने आपको बोला पर्टिकुलर स्पीशीज के रेट में कभी भी कोई चेंज नहीं आता, तो ऑब्वियस बात है इसका मतलब ये दोनों इक्वल होंगे, तो मतलब ट्वाइस ऑफ r1 बराबर ट्वाइस ऑफ r2। तो यहां से मैंने क्या कर दिया k1 k2। तो ये छोटे-छोटे स्टेप्स और छोटे-छोटे पॉइंट्स आपको याद रखने इन चीजों में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पहले तीन लेक्चर बहुत अच्छे से कमांड कर लिए केमिकल काइनेटिक्स के, मतलब आगे का चैप्टर आपको ओवरऑल क्या हो चुका है क्लियर हो चुका है। तो ये पहले तीन चैप्टर बहुत ध्यान से समझिएगा और यही चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है, आज के लिए हम शायद इतना ही कंटिन्यू करते हैं, बाकी चीजें कल कंटिन्यू करेंगे। प्लीज रिवाइज योरसेल्फ, फिर भी कोई डाउट हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी पर्सनली। थैंक यू।